कोरोना अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, देश में कोरोना के मरीज अब 1,00,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है, 1,01,039 मरीज हो चुके हैं। ये कोरोना अपडेट सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये 1,00,000 के पार पहुंच चुका है देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा। और आपको याद होगा कि WHO ने जब ये अंदाजा अनुमान जाहिर किया था कि भारत में 1,00,000 से ऊपर संख्या होगी कोरोना मरीजों की। ब्रह्म प्रकाश दुबे लगातार हमें हर रोज अपडेट पहुंचाते हैं। ब्रह्म प्रकाश, 1,00,000 के पार ये आंकड़ा हो गया और चिंता उतनी ही ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल, देखिए लगातार आज भी बीते 24 घंटे में 4,970 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में 134 और मरीजों की डेथ हुई है। यानी ना सिर्फ संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, बल्कि जो डेथ की तादाद है वो भी लगातार बढ़ रही है। मैं आपको बता दूं, कल भी 5,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले आए थे। अब देश में कुल मामले 1,01,139 हो गए हैं अभी तक, जो कोरोना संक्रमण से प्रभावित हैं। इसके साथ ही ठीक होने वालों की संख्या 39,174 हो गई है, और जिन लोगों की डेथ हुई है उस पूरे आंकड़े की बात करें तो उनकी तादाद भी तेजी से बढ़ी है। आपको बता दें कि वो भी जो संख्या है 3,163, ये वो लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। तो संक्रमण को काबू पाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन संक्रमण से प्रभावित लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं प्रॉपर रूप से, जिसके चलते संक्रमण रुक नहीं रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रह्म प्रकाश, ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो ये अपने आप में देखिए कितना बड़ा आंकड़ा और चिंता का सबब है, चिंता बढ़ाने वाली खबर। 1,00,000 के पार हो चुका है कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या, और जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है, सही होने वाले का जो रेशियो है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि इतनी गाइडलाइंस जारी करने के बावजूद भी आंकड़ों का बढ़ना, ये बताता है कहीं ना कहीं हमसे चूक है, कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है और गाइडलाइंस का पालन लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये खबर एक चेतावनी है, सावधानी आपको बरतनी होगी। तो दिल्ली के गाजीपुर की हम बात कर रहे थे, क्योंकि गाजीपुर के बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना अभी भी जारी है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में जाने के लिए लोग यहां पर जुट रहे हैं। मजदूरों का सीधा आरोप है कि सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि सरकार चाहे बस चलाए, ट्रेनें चलाए, हमें हमारे घरों तक पहुंचाए। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लंबा जाम भी लगा हुआ है, ये भी एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर लोगों की संख्या बढ़ने से मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है और लोगों को अभी ये नहीं पता कि उन्हें जाना कहां है। कल तो अधिकारी भी आए थे, पुलिस वाले भी नजर आ रहे थे, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, क्योंकि कल जब यहां पर भीड़ थी, परसों यहां पर भीड़ थी, तो कुछ बसों के जरिए प्रशासन ने लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया था। लेकिन अब शेल्टर होम में भी जो संख्या है वो बढ़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल वहां पर भी रखना है, तो अब आगे की प्लानिंग क्या होगी? क्योंकि यहां पर लोगों की समस्या को देखकर बार बार सिर्फ एक ही सवाल जहन में आता है कि इन मजदूरों की गलती क्या है, इनकी मुश्किल कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही है, और लॉकडाउन 4.0 में घर वापसी की जंग कब तक लड़ेंगे ये मजदूर। ये तस्वीरें दिल्ली के गाजीपुर की आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे ये लोग यहां पर इस इंतजार में बैठे हैं कि हो सकता है कोई मदद इन तक पहुंचे। तमाम राज्यों ने छूट लागू कर दी है। इस वक्त हम लोग गाजीपुर में दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर हैं, और आप देखिए यहाँ पर भी आज तमाम जो माइग्रेंट्स हैं वो जुटे हुए हैं यहाँ पे। ये आज भी अपने घर जाना चाह रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि इन्हें फिलहाल पुलिस जो है वो बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दे रही है। क्या बाहर आगे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम कासगंज जा रहे हैं। कहाँ? कासगंज। अच्छा, तो क्या अभी जाने नहीं दे रहे क्या? हम तो अभी आए, अब पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग जाने सर नहीं दे रहे, हम लोग जाना चाह रहे हैं, हम लोग भागपुर जाने वाले हैं सर, और बहुत परेशान है यहाँ, 2 महीने लौट में फंसे हुए सर। हम लोग जाने जाने जाना है सर, घर जाना है सर। कहाँ से आ रहे हैं? हम जो दिल्ली से आ रहा हूँ सर। अच्छा, और हमको भागलपुर जाना है, 2 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, अब जाओ, अब ये नहीं है वो नहीं, इसी तरह बोलो, हम लोग भाग रहे 2 दिन से, बहुत परेशान हो रहे हैं खाने के लिए पीने। क्या बोल रही है? टिकट बन ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, भूखे मरेंगे यहाँ सभी। क्या करेंगे सर, पैसा था सब खत्म हो गया, जो हम लोग पैसा था खा दिए,
हम समर्थन करते हैं। क्यों इकट्ठा है सर? जाना है, गांव जाना है। और क्या पैसा जो था पैदल जाएंगे? सरकार बस की व्यवस्था कही है करने के लिए, यूपी के बस भिजवा रही है। अब यहाँ पता नहीं चल पा रहा है बस कहाँ है कहाँ नहीं है। हम समर्थन करते हैं सर, लेकिन कहने का मतलब है सर कि अब हमारे पास जो था वो खत्म हो गया है, घर जाना है, घर के लोग परेशान है, अब कोई सुविधा है नहीं यहाँ पे। व्यवस्था क्या है सर? हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? सर हम लोग दिल्ली कापाकसेरा से आ रहे हैं, गोरखपुर जाना है यूपी में। गोरखपुर? यस सर। हम तो भागलपुर जाना है सर, बहुत परेशान है सर, बहुत ज्यादा परेशान सर। हर जगह से लोग रखता है, वहाँ जाओ वहाँ जाओ, दो दिन से घूम रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ बहुत ज्यादा सर। हम लोग पूर्णिया से है सर। कहाँ से? पूर्णिया सर। कहाँ जाना? पूर्णिया जाना? हाँ सर पूर्णिया जाएंगे। बस का सुविधा दिया था सर, ये पुलिस वाले नीचे बोला, वहाँ पर हम लोग का आदमी पहले से पहुँचा हुआ है 10-12। कहाँ पे? गाजियाबाद। ये जाने नहीं दे रहे? नहीं जाने दे रहे हैं। ये जाने देता हम लोग अब तक पहुँच लगा ले लेते, 12-13 बंदे हम लोग का। ये देखिए, ये कई लोग हैं जो कि यहाँ पर लगातार जुट रहे हैं, पिछले कई दिनों से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से आ रही हो? जम्मू से। हाँ जम्मू से। कहाँ जाना है? यूपी। कैसे जाओगी? कार से जाऊँ। कैसे यहाँ जाने तो पड़े हो, कैसे नहीं कैसे? पैदल जाएंगे? पैदल कैसे जाऊँ, छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे पैदल? यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हो? यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ पर क्यों आए? बस का कब में घर जाने के लिए आए? घर जाने के लिए आए। तो यहाँ से बस तो चल नहीं रही ना अभी? तो हमको तो बताई बस चल रही है। बताया? हाँ। किसने बताया? वो एक टेम्पू वाले ने बताया। आप लोग कैसे आए हो यहाँ पे? यहाँ पैदल आए हैं। तो यहाँ से कैसे जाओगे? यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, और बॉर्डर क्रॉस कर देंगे हम तो पैदल भी चले जाएंगे। पैदल चले जाएंगे? कहाँ जाना है? बिहार। ये लोग लगातार देखिए यहाँ पर बहुत से लोग जमा हैं, महिलाएं भी हैं, इनमें बच्चे भी हैं छोटे। इनका ये कहना है कि ये लोग यहाँ से अपने घरों को जाना चाहते हैं। कुछ बिहार के हैं, कुछ लोग यूपी के हैं, कुछ लोग दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि फिलहाल इन्हें बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया जा रहा है और इसलिए लोग यहाँ पर जमा हैं। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली।